अब जैसे भाई यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, ये भाई ने पानी डाला और पानी डालते तुम देखना यहाँ से पानी पूरा अपना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यार भाई मतलब देखो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, मैं नहीं जानता शेवन। अच्छा है तो वैगनर, नई वाली मॉडल वैगनर, तुम लोगों को पता लग रहा होगा, पर ये पीछे से भाई मुझे स्कॉर्पियो इनका क्यों लुक लग रहा है यार। ये अपने ओनर से बात करते हैं, ये मेरे सामने यहाँ पे ओनर है। ओनर भाई आपका नाम क्या है? सूर्यकांत शर्मा भाई अपने साथ है। सूर्यकांत भाई पहले मेरे पास गाड़ी के पास आए, मेरे बाद क्या आप मुझे एक चीज बताओ, वैगनर 2021 मॉडल है, ठीक है, रिसेंट में आपने ली है, अभी हाल ही की बात है, इसके बाद जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई, जो आपने स्कॉर्पियो एन की लुक्स देखी, तो आपको देख के लगा नहीं कि स्कॉर्पियो वाले गलत क्लेम कर रहे हैं द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवी? मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो एन द बिग डैडी ऑफ ऑल वैगनर। मैं तो देखो यही बोलता हूँ, ठीक है, लगने दिखने में भी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम जब उसकी लुक आई ना, हाँ, तो मेरे को आगे पीछे से तो ऐसा लगा जैसे स्कॉर्पियो नहीं, ये तो वैगनर ही है। वैगनर नहीं, ऑफ कोर्स देखो आगे से लुक चाहे जैसा भी हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, पीछे से ना अपनी वैगनर का लुक पूरा स्कॉर्पियो एन से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी टेल लाइट है ना, उसको खींच के पिलर लाइट में उन्होंने तब्दील कर दी, ठीक है, मतलब टेल लाइट पिलर लाइट का भी काम कर रही है, तो ये सेम सीन स्कॉर्पियो एन में भी तो है। लेकिन टॉप बेस एलेक्साई सीएनजी, LXI मतलब बेस मॉडल CNG। अच्छा लेकिन देखो सबसे मेन चीज भाई, मैं देख रहा हूँ आपने गाड़ी को ज्यादा मॉडिफाई नहीं करा रखा है ना, हल्की फुल्की मॉडिफाई है, पर मुझे पर्सनली ना भाई वैगनर नई वाली मॉडल का ना एक रिव्यू बनाना था, तो इसलिए मैंने कहना कि आपसे कॉन्टेक्ट किया। पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यार आपने अपनी गाड़ी में सनरूफ लगा रखा है। देखो भाई सारी मॉडिफिकेशन अपनी जगह, सनरूफ लगवाना अपनी जगह, क्योंकि खतरों से खेलने वाली चीज है पूरा पूरा। ये जरा इसका ना बताओ, ये भी है जैसे कि बहुत गाड़ियों में आजकल सनरूफ आई नहीं है, हाँ, तो मेरे को लगा मेरे पास भी होनी चाहिए, हाँ, तो हमने खुद ट्राई किया था। अच्छा, ये मायापुर से लेके आए थे हम ओल्ड क्रूज का सनरूफ, वो हमने इसमें इंस्टॉल किया है। आपने खुद से कैसे लगवाया ये? एक दिन ऐसी अपने पास है सारा सोर्सेस वगैरह, जैसे खुद कटिंग खुद करी थी। अच्छा जरा पास आगे बात करते हैं भाई, मतलब ये आपने कटिंग खुद से करी है? ये यहाँ तक की कटिंग है, फिर यहाँ पे क्रूज की छत पूरी सेट करी। अच्छा तो जैसे कि आपने अभी नया अपने कार एसेसरीज का भी शॉप चालू किया, कहाँ पे है वो? फिलहाल द्वारका सेक्टर 7 में है, मगर जल्दी जल्दी हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेकंड ब्रांच ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अभी आपने स्टार्ट किया और अभी सेकंड ब्रांच ला रहे हो? वो एक फ्रेंड है हमारे, हाँ, तो उनकी सेक्टर 7 में थी और मैं सेकंड ब्रांच वहाँ खोल रहा हूँ उनकी। अच्छा, द्वारका एक्सप्रेस, क्या बात है। तो मतलब क्या आपने अपने ही शॉप में आके इसमें सनरूफ लगवाया या फिर कहीं और से? ऐसा था जैसे कटिंग वगैरह हमने अपने यहाँ के की थी, हाँ हाँ, और जो इसको वेल्डिंग वगैरह के लिए और पेंटिंग के लिए हम लोगों ने और कहीं और कई किया था। यार देखो ये आपको पता है भाई, सनरूफ लगवाने के लिए ना हर कोई दो बार सोचता है, क्यों? क्योंकि मेजर दिक्कत है लीकेज की, और लीकेज का मतलब क्या होता है कि भाई देखो कभी भी बारिश हो, ठीक है, ये सनरूफ क्या कि अभी तो भाई ने उठा रखा है, शायद भाई को हवा हवा की जरूरत होगी या पता नहीं क्या, लेकिन थोड़े लुक्स के लिए, ओके, तो अगर ये सनरूफ बंद भी होगा ना तब भी पता नहीं कहाँ से इसकी लीकेज आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट कराओगे तो दिक्कत तो होती है, कभी दिक्कत हुई आपको? नहीं, अभी 3 महीने हो चुके हैं, जैसे बारिश वगैरह में ना हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे इसकी पाइपिंग आई है चारों पिलर में, ए पिलर में और सी पिलर में पाइपिंग, इसमें मतलब चैनल टाइप है। एक बार दिखा देते हैं क्या चीज है भाई, ये मुझे बहुत अलग लग रहा है यार कुछ मामला, और एक बार जरा देखते हैं पाइपिंग किस चीज की है। जैसे ये आई इधर, अच्छा ये पाइपिंग ऊपर से आई है, और ये इधर ये जो चैनल है ना, हाँ हाँ, इसमें होल है कॉर्नर में। अच्छा, और इसमें से ये पानी उधर चला जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर बारिश आएगी, ठीक है, हाँ, तो लीकेज की मतलब इसमें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने प्रॉपर पाइपिंग चारों कोने में लगा रखी है, तो मतलब इधर उधर पीछे पीछे सब पीछे इन दो पिलर में वो हेडलाइट टेल लाइट के पीछे। अच्छा, अब टेल लाइट के पीछे है, हाँ, जैसे नीचे यहाँ से निकल जाएगा पानी, नीचे से निकल जाएगा, तो एक बार जरा दिखा दे फिर, वो खुलेगा नहीं टेल लाइट, लेकिन कोई नहीं, मैं बोलता हूँ पानी डाल के दिखाते हैं फिर। मैं आता ही है इसमें, मैंने कोई अलग नहीं किया। अच्छा, ये क्रूज कौन से? शेवरले क्रूज, शेवरले क्रूज, उसमें मतलब ये सिस्टम आता ही आता है जी, कंपनी वाले सनरूफ दे रहे हैं तब भी ऐसा आ रहा है, और उसमें पाइपिंग वगैरह सब कुछ रहती है। पर यार देखो आफ्टर मार्केट में आपने इस चीज को, हमने उस चीज को लगाया है, कर दिया आपने एकदम सक्सेसफुल, तो वो अपने आप में यार है काबिल तारीफ वाली बात। तो आओ अब जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यार भाई बता क्या रहे इसका, तुम साक्षात एग्जांपल देखो, ठीक है, जैसे अब भाई ने यहाँ पे देखो, अब जैसे भाई यहाँ पे पानी डाल रहे हैं, ठीक है, ये भाई ने पानी डाला और पानी डालते तुम देखना यहाँ से पानी पूरा अपना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यार भाई मतलब देखो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई, मैं नहीं जानता शेवरले क्रूज में आता है नहीं आता, आई डोंट नो, ठीक है, ये मेरी गलती की, ऑडियंस मेरी समझ जाएगी। क्रूज या फिर और भी किसी गाड़ी में आता है? इस गाड़ी में सनरूफ रूफ के अंदर जाती है, हाँ, उन सब में पाइपिंग आती है। अच्छा, हाँ, और जैसे कंफर्म नहीं है मगर शायद लोरा में नहीं थी। अच्छा, जिनमें रबड़ वाली होती है ना, रबड़ से मतलब लगती है ग्रैब करके, हाँ, उसको फ्रेम टाइप कसा जाता है, उसमें लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, आएगी साल भर बाद आएगी, क्योंकि वो रबड़ धूप में रहती है, हाँ, हर तरह के वेदर फेस करती है, तो आफ्टर मार्केट की बता रहे हो आप, है ना, आफ्टर मार्केट भी और कई कंपनियों में। अच्छा, कंपनी वाले में भी लीकेज प्रॉब्लम आती है?
ऐसा होता है, क्रूज में भी दिक्कत आती थी। अच्छा, लोग क्या करते थे, इसकी मेंटेनेंस नहीं करते थे। अच्छा, ये जो इसके होल हैं ये बंद हो जाते हैं मिट्टी जाने से। अच्छा, टाइम टू टाइम इनकी भी सर्विस होती है। तो आप जरा बता दो, जितने लोगों को मतलब करवाना है ये वाला सीन, तो कहाँ से करवाए? आपका सफल हो गया अपने सुप्रीम कार एसेज के नाम से, द्वारका सेक्टर 7 रामफल। आप कर दोगे, बढ़िया है ना? हम लोग कर रहे हैं इसको, और जल्दी से जल्दी हम सनरूफ इंस्टॉल करना भी शुरू करेंगे। अभी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक है डन भाई, अगर तुम लोगों को मतलब ये सेम सनरूफ वाला सीन करवाना है तो भाई भाई की यहाँ जो शॉप है सुप्रीम कार सुप्रीम कार है, तो वहाँ तुम्हें जरूर विजिट करना है। ठीक है, क्लीन इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, 4 से 5 दिन लगते हैं। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, और बिल्कुल मतलब अच्छी लगती है खुद यार। अगर आप कोई भी सनरूफ वाली गाड़ी लेने जा रहे हो तो 12-15 लाख से कम नहीं आती। हाँ, और ये हम 5-6 लाख की गाड़ी लेके, और हम 30,000 रुपए में, 35,000 में, बाकी तो हल्का हल्का नेगोशिएबल हो जाएगा, है ना, जो मिहिर गलत की ऑडियंस जाएगी। ये बोलने में मजा आता है मुझे। ठीक है, अच्छा सबसे मेन भाई, यहाँ मैं देख रहा हूँ द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का आपने प्रॉपर यहाँ पे स्टिकर लगा रखा है। ये क्या, फ्रेंड था? हाँ, वो बीच में गाड़ी साले हर किसी का फ्रेंड ही होता है क्या भाई? नहीं, मेरे साथ अभी भी है। अच्छा, मतलब खास है आपके? खास फ्रेंड है। ओके, तो कई बार वो मेरी गाड़ी ले जाते हैं, मैं उनके ले जाता हूँ। हाँ, तो इसलिए ये तो चलो बोलना पड़ता है ना। नहीं नहीं, अच्छा है, मजा करो मजा। अच्छा उससे पहले भाई, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने एलॉयज लगवा रखे है, ये 15 इंच 15 इंच के फ्लाइंग ईगल, ये कौन सी कंपनी है? ये मेरे को नहीं पता इस कंपनी के बारे में, तो क्योंकि मैंने भी शायद सुना नहीं। लगी थी। हाँ हाँ, और ये इनक्यूबस वगैरह का, मतलब इनक्यूबस ये बीच का चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा, बीच का मैंने दूसरा लगा। अच्छा, ये आपने दूसरा, मतलब कैप जो बोलते हैं बीच वाली, दूसरा लगा रखा है, और ये करोल बाग से परचेज किए थे। ये पूरा अलॉय परचेज कितने के पड़े आपको? ये 17,500 17,000 के आपके अलॉय पड़ गए चारों। टायर तो चलो वही सेम है, टायर नहीं, टायर इसमें 13 इंच ही आता है, मैंने 15 अपग्रेड किया है। अच्छा, तो टायर कौन सा है ये? योकोहामा अर्थवन। अच्छा अच्छा, तो ये क्या आप गाड़ी बहुत रनिंग बहुत है गाड़ी की? मुझे आप ये 60,000+ चल चुकी है ये, तभी यार इसका मतलब पूरा ग्रिपिंग पूरी उतर सी गई है अब। हाँ ओके, और देखो यार बाकी सब तो नॉर्मल ही है, बाकी सब में क्या बात करें। मुझे लग रहा है हल्का फुल्का आपने स्मोक कराया इसे, पीछे मैंने स्मोक करा रखी है इसमें, ज्यादा नहीं मतलब हल्का सा, बहुत लाइट स्मोक, बहुत लाइट है। ये कैमरा सब नीचे लगाते हैं, मगर उसमें क्या होता है लाइटिंग वगैरह, बम्पर में लुक अच्छी नहीं आती। हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और मूविंग कैमरा है। ओके, उसके बाद अगर हम इधर साइड में, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये फोल्डेबल मिरर लगाए हैं। हाँ हाँ, ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगाए हैं। हाँ हाँ, और आगे एलईडीज लगी हुई है, नीचे आईपीएच लगे हैं। हाँ हाँ, मेरे को हाँ अब सही नहीं लगा आईपीएच का आपको, है ना? हाँ, क्योंकि अभी 10 दिन में पहले ये गाड़ी, जैसे मैं जयपुर था उस टाइम पानी में गई थी। हाँ, जब मैं सोचा पानी है थोड़ा बहुत निकल जाएगा, मगर इसकी अंदर की मैंने अभी कल परसों खोला था। हाँ हाँ, खुलवाया अपने लड़के से, तो देखा तो इसकी क्रोम ही उतर गई है। अच्छा, अंदर से। तो मतलब ये आईपीएच की आपको दिक्कत लगी है ना? दिक्कत लगी। कहाँ से करवाया था आपने आईपीएच रिलेटेड काम? ये हम लोग खुद लेके आए थे, करोल बाग से परचेज किया था हमने, इंस्टॉल किया था। तो ऐसे तो कुछ नहीं कि वो आपने बेकार कंपनी का ले लिया हो कि यार? नहीं, ओरिजिनल था। ओरिजिनल था। हाँ ओके, उस टाइम ये इसकी कॉस्टिंग भी शायद 3,500 से ऊपर थी। अच्छा, और बाकी आपने यहाँ पे LEDs वगैरह का भी करवा रखा है? LED लगा रखी है इधर, ये एंडेवर स्टाइल लाइट है, अभी अच्छा। जला के दिखा दे, जला के दिखाओ यार, ये पुलिस लाइट है। ओके, ये यार मतलब जल्दी विजिबल नहीं है, अब बहुत ध्यान से देखा हूँ तब तक लग रहा है, तुम देख लो। अच्छा, ये भाई ने यहाँ पे एंडेवर स्टाइल लाइट्स भी लगवा रखी है, और नीचे पुलिस फ्लैशर्स है। ठीक है, तो मतलब आपने यार जितना काम करवाना चाहिए आपने लगभग उतना ही, बहुत मिनिमम। हाँ, और लुक अच्छी है। हाँ ठीक है, अभी एक इधर जैसे गमला गिर गया था अभी एक दिन रात को ना। हाँ हाँ, अचानक से 1:30-2 बजे पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, कोई बिल्ली आई क्या आया, तो गमला ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से गिरा था। मैं तो सोचा शीशा टूट गया, मगर सिर्फ ये स्पोर्ट आया, और ये कुछ छुपाने के लिए, कुत्तों के निशान थे पैरों के। अच्छा, वो अच्छा। छुपाने के लिए ग्राफिक लगाया था थोड़ा अलग। ओके, तो यही सब है ना? तो डेंट ज्यादा नहीं आया? ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। अंदर से तुम देख लो, भाई ने सीट कवर्स का प्रॉपर काम करा रखा है यहाँ पे, जो ये अपना काम है। सही है। अच्छा, कोई गियर नॉब नहीं बनवा था? हाँ, हमने गियर नॉब भी बनाई है। अच्छा ठीक है, और ये सीट कवर वैसे कौन सा, ये लेदर कौन सा है? बड़ा न्यू साका था, शाइनिंग नहीं आता, ये मैट में आता है। जितना यूज होगा ना। हाँ, उतना आप जैसे पीछे देखोगे बिल्कुल मैट फिनिश है। हाँ, और इधर जितना यूज होता है, सबसे ज्यादा यही सीट यूज होती है हर गाड़ी में। हाँ, तो इसलिए थोड़ा यूज होते होते ही अपने आप कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है मतलब वो शाइनिंग टाइप वाला, शाइनिंग और प्रकार रहती है इसमें। तो कौन, ये कौन सा वाला है? ये न्यू साका लिया था मैंने, न्यू साका का, करोल बाग से परचेज किया था। Okay. कपड़ा कपड़ा। हाँ, और अपने जो सुप्रीम कार से है उस पे हमारा जो मेन काम है। हाँ, सीट कवर की हमने खुद फैक्ट्री लगाई है। हाँ, तो हम लोग वहीं सेल, तो मतलब जिसको पसंद आ रहा है ये तो आपके पास यही नहीं, अगर कोई भी आपको डिजाइन चाहिए वो सीट कवर का किसी भी कपड़े में, तो हम आपको अवेलेबल सील के दे देंगे 2-3 दिन में।
लगते हैं। क्या बात है, देख लो भाई सुप्रीम कार ऐसी तुम्हें आना है द्वारका में ब्रांच अभिया की, और अगर यहाँ ध्यान दो तो आपने एवटार क्या पे ट्विटर, ये ट्विटर है हाँ, आगे पेंथर ऑडियो की मीट है ये हाँ ओके, और पीछे एक बेस ट्यूब है। अच्छा ठीक है, पहले इसमें हर्ट्ज का लगा रखा था मैंने कंपोनेंट्स हाँ, मगर वो अभी हटाए हैं मैंने कुछ टाइम पहले और ये इंस्टॉल किया। तो एवटार तो मैं सुनता हूँ अच्छी है ब्रांड, काफी अच्छा लगा हाँ। मेरे को वोकल हाई चाहिए थी, अच्छा उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा वोकल आपको हाई चाहिए थी, बेस ज्यादा मतलब फिर सरदर्द हो जाता है वोकल। आपको ट्विटर से नहीं होता सरदर्द, ट्विटर पतली आवाज आती है, इसमें पतली आवाज समझ रहा हो गया हर किसी का। एक बार सुनाते फिर। तो देखो यहाँ पे यार मैंने गाना लगा दिया है अपने एक्सपायरेशन भाई का, ठीक है आओ अब जरा चेक करते हैं कि कैसा क्या इसका बेस है, और जरूर यार तुम लोगों ने गाना यार ठीक है, और प्रॉपर यहाँ से बताता हूँ ट्विटर का मामला तो भाई ने काफी ऊंचा कर ही रखा है यार ठीक है, और यहाँ पे दे दो सबसे बेस्ट भाई, इधर आओ सबसे बेस्ट यार भाई ने ना ये लगा रखा है भाई, ये किस कंपनी का है मुझे भी लगाना है यार। मैंने अमेजोन से मंगाया था सेप्टिक्स का हाँ। पहले मैं मारुति का यूज करता मगर उसमें सिंगल सॉकेट था, और वो लगाने के बाद कोई यूएसबी वगैरह लगा नहीं सकते। अच्छा मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इसमें दो सॉकेट्स और चार यूएसबी जिसमें कि दो फास्ट है हाँ। और दो नॉर्मल है। कितने का है ये 2300 के अराउंड मैंने लिया। बढ़िया चीज है यार, देखो भैया तुम लोगों को भी ये बोलूंगा मतलब सजेस्ट करूंगा कि यार अगर तुम लोग गाड़ी बैठ के अपने लैपटॉप में काम करना है या फिर कुछ भी तो तुम ये आराम से मतलब इसको परचेस करके सब कुछ कर सकते हो। इसका मेन रीजन क्या है हाँ? कि जैसे हम फोन चार्ज करते हैं जो वो लट्टू टाइप का आता है छोटा वाला ट्रेवल एडेप्टर उससे ना फोन की बैटरी वीक होती है, हीट होता है फोन। अच्छा इसमें तो आप डायरेक्ट अपने ओरिजिनल चार्जर से चार्ज, हाँ तो इसलिए पावर भी अच्छी देता है हाँ, फास्ट चार्ज करता है हाँ, हाँ, और हाफ एन आवर में जैसे कोई भी फास्ट चार्जिंग फोन हो तो उसको अच्छा बैटरी लेवल दे देता है। अच्छा और बाकी इस गाड़ी का मतलब चलाने में कैसा एक्सपीरियंस आपका, 2021 वैगनार जो है पुरानी वैगनार से कोई डिफरेंस है? 60,000 प्लस चला चुका हूं हाँ ठीक है, क्योंकि देखो ये आप मैं जनरल बता रहा, क्योंकि भाई वैगनार अभी भी ना मोस्ट बजट में आती है। मैंने अभी रिसेंटली 12 अगस्त को एक और वैगनार परचेज करी है नई। अच्छा हां जी क्यों, वो बिल्कुल स्टॉक रखी, बहुत मजा आ गया वैगनार में। हां जी भैया बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस ऐसा है अगर हम इसको सही से चलाए ना हाँ? तो एवरेज जो देती है ऑन हाईवे 30 अराउंड दे देती है इन टायरों में। अच्छा जी 30 का एवरेज, 30 का एवरेज, इतने हैवी टायर और इतने चौड़े मतलब दो साइज में अपग्रेड करा है फिर भी 30 का एवरेज हाईवे पे निकाल रही है। अच्छा अब जैसे केदारनाथ हो गया हाँ? बहुत है हाई एल्टीट्यूड, उधर भी आप जाके आए, उधर भी जाके आया, उज्जैन तक जाया, अच्छी अच्छी जगह, अच्छा एवरेज मिला आपको उधर भी। एवरेज उज्जैन किया था तो मैं एक बार भरवाने पे फुल करवाने पे तो 240-245 के अराउंड आके पूरी खत्म हो जाती है। तो ये बताओ जितनी अपनी मिडिल क्लास ऑडियंस है जो मतलब आज भी वैगनार के लिए इतना झुकाव है उनका, सबसे बेस्ट देखो आज की डेट में 10 लाख से नीचे कोई गाड़ी है ना हाँ। मेरे तो वैगनार से ऊपर कोई नहीं लगी, क्यों 7 लाख रुपए के आसपास ही आएगी हाँ। उसके ऊपर अगर आपको थोड़ा जाना है फिर बलिनो, और फिर तो बहुत वैरायटी है ग्रैंड आइटेनियोस वगैरह। पर ये बताओ मैंने जितना सुना है भाई मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी कुछ उतनी खास होती है नहीं? ये बहुत हल्की बिल्ड क्वालिटी है मैं बताऊं, है है। अच्छा ये मानते हो हम इतना पैसा जिस मिडिल क्लास में मतलब अपनी जेब के हिसाब से हम इसको लेते हैं। अच्छा हमें बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हर कोई करना है आज की डेट में, करना पड़ रहा है। लेकिन यार आपकी गाड़ी क्या गमला गिरा और आपने बताया था अभी भी कुछ दिक्कत हुई थी, एक दो बार एक्सीडेंट भी हो रखा है छोटा मोटा? ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक बार अभी गमला गिर गया था हाँ। तो कुछ टाइम पहले गाय आ गई थी हाँ, उसको बचाने के चक्कर में इधर से पत्थर पे लग गई थी हाँ। मगर तो उससे कितना भोले बाबा का आशीर्वाद गो या जो गो, अच्छा हम लोग बहुत की 80-90 की स्पीड में इधर से गाय आई और हमने जैसे काटे डिवाइडर पे से बाहर पत्थर रखा हुआ था इतना बड़ा, तो फिर भी हल्का सा बम्पर क्रैक हो गया, हम लोग बच गए और कहीं टायर पे हिट नहीं हुआ, कहीं अलॉय क्रैक नहीं हुआ। अच्छा मतलब बिल्ड क्वालिटी है ठीक है पर उतना भी, मैं तो कह रहा हूँ भैया ठीक नहीं है। सीवर में गई थी एक बार हाँ। पूरा जो मेंबर कहते हैं ना सामने के फ्रंट मेंबर हाँ। वो सब बैंड हो गए। अच्छा अभी भी आपको दिखाऊंगा तो हल्का। अच्छा मतलब भाई ये पहले ओनर में देख रहा हूँ जो बोल रहे, नहीं भाई इतना ऐसा कुछ नहीं है, बेकार है अभी भी बाहर आई है यहाँ से, अभी भी फिनिशिंग नहीं है इसके, मेंबर बहुत जल्दी बैंड होते हैं। अच्छा मैंने इसमें अभी मेंबर क्या बोलते हैं किसे भैया, चेसिस के साथ में एक हिस्सा होता है हाँ? इस पे बम्पर वगैरह फिक्स होता है और अच्छा। रेडिएटर का वो होता है तो। अच्छा और अभी इसमें मैं इसलिए थोड़ा और चेंज करूंगा हाँ, वो बम्पर जैसे टूट गया चेंज करना है तो इसको खोल के मैं इसमें एंगल या कुछ ना कुछ वेल्ड कराऊंगा जिससे वो बच जाए, नहीं तो कल को ये रेडिएटर या कंडेंसर खराब कर सकता है। अच्छा मतलब बिल्ड क्वालिटी में देखो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप ये बोल रहे हो करना पड़ेगा भैया, लेकिन ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है ना। आप खुद बता अगर मैं 5.5 की लाख की गाड़ी ली हाँ, इस रेंज में कोई अच्छी कोई बिल्ड क्वालिटी लूंगा कोई भी लूंगा हाँ, बात करें हम टाटा की हाँ, त्यागो पे जाएंगे हाँ, मगर उसमें हम इतनी छेड़खानी नहीं कर सकते।
ठीक है तो देखो भाई ऑल ऑन अपनी यार वैगनर 2001 अभी 15 साल पूरे हो गए थे उसको सेल करके फिर नई वैगनर लाया हूँ। उसके बाद वाली वैगनर मेरे पास थी और ये भी है तो मैं समझ रहा हूँ फैमिली में होनी चाहिए। हाँ, होती भी है भाई लिटरली होती है। ठीक है तो इसको अपन चला नहीं रहे कोई नहीं लेकिन नेक्स्ट गाड़ी तुम देख लो नेक्स्ट ऑनलाइन।